सारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 को संस्कृत ग्रामर में शब्दरूप कौन शब्दरूप सिखा रहा हूँ। देखिए, तत् या इसको उच्चार करेंगे तत्, यदि तत् में क्या होता है वह, वह या वे भी कह सकते हैं इसको वे, ठीक है। इसमें इधर लिखेगा प्रथमा, इस तरह से। तो इसमें प्रथमा में क्या होता है, इसमें से लिख लीजिएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो स, तो, ते, ये, ठीक है। सर्वनामी पद है, सर्वनाम नाम के बदले आया सुनाई पर, और पुल्लिंग में लिखा हूं, यानी कि कहिए कौन सा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में यह नहीं है, याद रखिएगा पुल्लिंग क्या है, लिख देता हूं मैं आपको ऊपर पे पुल्लिंग, ठीक है। और सर्वनामिक पद क्या है, सर्वनामिक पद, सर्वनामिक पद किसको कहते हैं, जो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले शब्द आता है या संज्ञा के नाम के जगह पर जो आता है, जैसे हुआ वह जैसे नाम है तो राम के जगह पर क्या कहेंगे, राम बैठा है, कहेंगे वह बैठा, तो स स गौ ते, ठीक है। स गौ ते कम तो कम तो कम कम को दान, ठीक है। तृतीया में, तृतीया में लिखिए चतुर्थी में तस्मै, तस्मै ताभ्याम यही लिखना है, ताभ्याम यही लिखना है, और तेभ्यः, तेभ्यः, ठीक है। इसका मतलब है यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। पंचमी, पंचमी तस्मात्, तस्मात् यही ताभ्याम ही आएगा, तेभ्यः ही आएगा, ठीक है। यही चीज भी लिखना है। षष्ठी, षष्ठी में दस्य, दस्य गयो, दस गयो तेषां। सप्तमी में क्या लिखते हैं, सप्तमी में दसमी तयो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तयो और यहाँ देसु, देसु, ठीक है। इसको याद कर लीजिए और उतार लीजिए ठीक से और याद कर लीजिए। धन्यवाद।